नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कनिका। और जैसा कि थंबनेल आप देख ही चुके हैं कि हम फ़ोन पर एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हायर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी का लगभग स्टडी करना होता है। सो एनसीईआरटी एक बेस है हमारे लिए। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मार्केट में जाके आप 4 से 5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं, तो सारे एनसीईआरटी खरीद लीजिए। और अगर आप बेवजह का खर्चा नहीं करना चाहते और या फिर अपने पास एक एक्स्ट्रा वज़न नहीं रखना चाहते, तो आप बहुत इजीली फ़ोन पर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जो कि सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से भी है और अदर बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप बहुत आराम से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो यही एक छोटी सी वीडियो है और चलिए देखते हैं कि हम फ़ोन पर एनसीईआरटी कैसे पढ़ सकते हैं। गाइज, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दो ऐप्स हैं जिसमें से जो मैं आपको पहला बता रही हूँ वो है यहाँ ऊपर ई पाठशाला ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाइए, सो आप जब इस ऐप पर क्लिक करते हैं प्ले स्टोर पर, आप इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की तरफ से ये ऐप है ई पाठशाला, ठीक है। आपको ये चार कॉलम मिलेंगे, स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स एंड एजुकेटर। तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। मैंने यहाँ टीचर्स में डाला हुआ है और कनिका के नाम से मेरा ये यहाँ प्रोफाइल है। तो देखिए, यहाँ आपको ये चार हैं, ई बुक्स, ऑडियो एंड वीडियो, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस एंड करिकुलर रिसोर्सेज। तो हमें बुक्स पढ़नी है तो हम यहाँ ई बुक्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ सारी क्लासेस आ गई हैं। अब जैसे हमें क्लास 7 का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, अपनी लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर ली इंग्लिश, एंड यहाँ हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, हमने सेलेक्ट किया इंग्लिश, ठीक है। यहाँ आपकी ये दोनों बुक्स आ गई, आप इसे क्लिक कीजिए, ये सारे यहाँ चैप्टर्स आ जाएंगे और इन्हें क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो एक तो ऐप आपका ये है, यहाँ से आप इजीली बुक पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन आपको ये मिल जाता है ऑडियो एंड वीडियो का। तो यहाँ कुछ वीडियोस दी हुई हैं, चलती तो यूट्यूब से हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह इनमें समझाया हुआ है, सो आप इन्हें भी देख सकते हैं एक बार, ठीक है। ये ऐप भी एक अच्छा ऐप है और इसमें ऐड नहीं आते। और ऐप खैर मैंने यूज़ तो नहीं किया लेकिन मुझे अच्छा लगा ये ऐप, क्योंकि जब मैंने इसे पूरा ओपन किया, सब इसका जो इसमें मैटर दिया हुआ है अच्छा है। लेकिन मैं जिस ऐप को यूज़ करती हूँ मैं आपको उसको उसके बारे में एक बार बताती हूँ। ये आपको दूसरा ऐप में बता रही हूँ। ये देखिए, जो एनसीईआरटी बुक्स यहाँ फर्स्ट आप राउंड शेप में देख रहे हैं ऐप है, और ये भी आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, अब ये ऐप ओपन हो रहा है। और मैं जितने भी अपने एनसीईआरटी पढ़ती हूँ इसी ऐप से पढ़ती हूँ, क्योंकि इस पर ऐड नहीं आते, और आते भी हैं तो बहुत ही कम, सो मुझे इस पर दिक्कत नहीं होती। और इसमें जो मैनेज किया हुआ है इन्होंने, वो बहुत इजी वे में किया हुआ है। सो देखिए, यहाँ 7 से 12th की तक की बुक्स आपको दिख रही हैं, लेकिन आप जब यहाँ नीचे क्लिक करते हैं तो ये सारी बुक ओपन हो जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमें क्लास 6 की बुक पढ़नी है, तो यहाँ पर 3 मीडियम है। अब ये जो राइट में आप 3 डॉट देख रहे हैं ना, इन पर क्लिक कीजिए, और ये तीनों मीडियम है, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो आप जिसमें भी आपको सही लगता है या जिसमें भी पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे मैंने हिंदी मीडियम अगर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हिंदी मीडियम की यहाँ बुक ओपन हो जाएंगी। सो हमने सेलेक्ट किया ज्योग्राफी यानी भूगोल, हमें भूगोल की अगर बुक पढ़नी है तो हम बुक यहाँ ओपन करते हैं। अब ये सारे चैप्टर्स आ गए ज्योग्राफी के, ठीक है। पर जब हम इस चैप्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन है डाउनलोड करने का, तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ ऊपर आप परसेंटेज देख रहे हैं, ये हमारा चैप्टर डाउनलोड हो चुका है। और जब डाउनलोड हो जाता है तो इसके ऊपर एक राइट का निशान आ जाता है। सो अगर आप पूरा चैप्टर एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऊपर साइन दिया हुआ है डाउनलोड का, और आप इस पर क्लिक कीजिए तो आप सारा चैप्टर एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ऑल चैप्टर्स एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये
एक बात इस ऐप की खास है कि इसमें तीनों मीडियम है। दूसरी बात, इसमें आपको लेटेस्ट बुक्स भी मिलती हैं और ओल्ड बुक्स भी मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे आपने जो बुक डाउनलोड की है, तो दोस्तों इस ऐप की एक ख़ास बात ये भी है कि जब आप किसी भी क्लास पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने 9th पे क्लिक किया, तो आपको यहाँ नीचे लेटेस्ट बुक्स भी मिलती हैं, यानी जो न्यूली अपडेटेड हैं, और यहाँ ओल्ड बुक्स भी मिलती हैं। तो आप जो भी पढ़ना चाहें यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक अदर थिंग कि आप जो डाउनलोडेड बुक्स हैं, यानी जो आपने डाउनलोड कर लेते हैं, वो यहाँ इस सेक्शन में आपको मिल जाती हैं। तो जैसे कि अगर आपका कहीं नेट काम नहीं कर रहा है, तो आप इन्हें पहले से डाउनलोड करके रख सकते हैं, और यहाँ डाउनलोडेड सेक्शन में आपको अपनी सारी बुक्स मिल जाएंगी। यहाँ से आप कभी भी इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो गाइस, ये बहुत अच्छा तरीका है, आप अपना मनी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। साथ ही एक अलग से आपके पास एक सेक्शन एनसीईआरटी का इकट्ठा नहीं होता, वज़न इकट्ठा नहीं होता, और कहीं भी आप जहाँ फ्री हैं, कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, या कहीं ऑटो रिक्शा में हैं, या बस ट्रेन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, कहीं भी आप जब फ्री हैं, तो एनसीईआरटी यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको हाथ में एक बुक रखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, यूज़फुल है। और अगर आप भी फ़ोन से कभी एनसीईआरटी पढ़े हैं या पढ़ते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।